भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं, खुश बहुत हैं। और यहाँ पे जो लोग उनके समर्थक हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि सबको इंतजार था कि इनको विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। सरोजिनी नगर से बहुत मांग हो रही थी, लेकिन वहां से नहीं, लेकिन बलिया सदर से अब आप चुनाव लड़ेंगे, आपका घर भी है। कैसे देख रहे हैं कि सरोजिनी नगर नहीं बलिया सदर ठीक है आपके लिए? देखिए, मैं हर 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 सीट सही होती है, और बलिया में पार्टी ने मुझे टिकट दे के भेजा है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए गौरव की बात है। बलिया भृगु ऋषि की धरती है, और इस देश के अंदर जब जब आवश्यकता पड़ी है तो बलिया के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, मंगल पांडे, बलिया के ही मंगल पांडे ने लड़ी थी, या देश को सबसे पहले आजाद कराने का गौरव किसी को है तो हमारे चित्तू पांडे जी को है, और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ में भी कोई लड़ाई लड़ी तो बलिया का लाल जयप्रकाश नारायण लड़े थे। तो बलिया क्रांतिकारियों की धरती रही है, और ऐसे जगह पर पार्टी ने मुझे फिर से एक बार, मैं पहले भी चुनाव वहां 2007 में लड़ चुका हूं, लेकिन फिर से पार्टी ने मेरे पर भरोसा करके आज बलिया भेजी है। हो सकता है कि भृगु बाबा का कृपा हमारे ऊपर रही हो कि कुछ करने का हमको अवसर बलिया में मिलेगा। इसके लिए मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पिछली बार बलिया में हम लोग 5 सीटें जीते थे, इस बार 7 के 7 सीटें जीतेंगे। आप पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हम लोग देख रहे हैं, और कई बार मौके भी दिए गए, लेकिन इस बार ये खबर आ रही है कि आप बिल्कुल आप पड़ गए थे कि नहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। ये तैयारियां थी आपकी पहले से कि हाँ इस बार लड़ना ही है हमें चुनाव, आप शीर्ष नेतृत्व तक पूरा लड़ाई लड़े इस बार? देखिए अभिषेक भाई, ये आपका ये कहना गलत है कि मैंने कहा कि नहीं हमको हम पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, कि मैं कभी भी किसी चीज के लिए मैंने जिद नहीं किया, क्योंकि पार्टी जितना हमको सम्मान दी है बहुत कम कार्यकर्ता होंगे उत्तर प्रदेश के कि जो जिनको इतना सम्मान मिला होगा। पिछले 22 वर्षों से लगातार पार्टी मुझे संगठन के पदाधिकारी के रूप में रखी, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भाजपा जैसी पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमको एक दिन भी घर बैठने नहीं दी, और हमको पदाधिकारी के रूप में, और जो पार्टी मुझे कार्य आज तक दी है, मैं अपनी पूरी जितनी मेरी ताकत है, हमारी ऊर्जा है, उस सबका मैं पार्टी के लिए और मैं उसको उपयोग करता हूं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं पार्टी पर दबाव बना सकता हूं कि मैंने मुझे टिकट दें। पार्टी जब भी कही मुझे दयाशंकर तुम्हारे लिए ये है, तो हमने कहा मेरे लिए ही स्वीकार है, क्योंकि आज मेरी जो पहचान है वो पार्टी के नाते हैं। हमारी पहचान ये नहीं है कि हमारे कोई हमारे विरासत में हमारे कुछ हमको मिली हो। हमारे पिताजी का नाम आप नहीं जानते होंगे, मेरा किस गांव का रहने वाला हूँ वो आप नहीं जानते होंगे। ये तो एक विचारधारा से मैं जुड़ा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा, एक संगठन से जुड़ करके फिर मैं पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, कुछ न कुछ जो पार्टी हमको देती रही मैं आगे बढ़ता गया। और पिछली बार भी तो हम तो बलिया से तैयारी कर रहे थे, बलिया में थे, पार्टी ने कहा नहीं आप लखनऊ जाओ, तो लखनऊ आ गए, और फिर पार्टी करे बलिया जाओ, फिर बलिया जा रहे हैं। पार्टी जहां कह देगी, बीच में पार्टी ने कहा फिरोजाबाद जाओ, फिरोजाबाद चले गए थे। तो जहां पार्टी हमसे कहती है कि आप पहले आप देखें कि पार्टी की संख्या बल कम होती थी, फिर भी पार्टी कहती दयाशंकर लड़ना है। तो पिछली बार पार्टी ने कहा था कि जहां पर हार सुनिश्चित हो और फिर भी पार्टी कहे कि लड़ना है तो दयाशंकर ही है ना, आप है कि नहीं है? जहां कम वहां आप, ये बताइए कि पिछले दिनों में पार्टी ने मुझे विधान परिषद लड़ाया तो पार्टी का निर्देश मानना है ना, हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्टी में क्या निर्देश हमको देती है ये है। और जीत हार तो मैदान में तय होगी, और मुझे भरोसा है कि बलिया के लोग जिस तरह मुझे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, आप देखिएगा सभी रेखा टूट जाएंगे। पिछली बार पार्टी ने कहा था कि आप और स्वाति सिंह साथ में चुनाव प्रचार करें, सब जगह जाएं, आप लोगों ने बहुत जगह आप लोग गए थे, हमें याद है, हमने लोगों ने कवरेज की थी, क्या इस बार वो साथ रहेंगे आपके, साथ में फिर से वही दृश्य देखेंगे हम? पहले भी साथ थे हम लोग, थे आज भी साथ हैं, चुनाव प्रचार एक साथ, क्योंकि उनका टिकट कटा है और अंदर खाने की खबर थी कि खींचातानी के बीच में टिकट कट गया। देखिए टिकट किसी का नहीं होता है, ये भाजपा में ये भ्रम लोग अपने खत्म कर दे, कोई किसी के लिए करो, किसी का टिकट नहीं, भाजपा का टिकट है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का टिकट है। भाजपा में तो जो सिग्नेचर आज कर रहा है ना, जो उसका भी टिकट नहीं है, क्योंकि आज वो 3 साल के लिए है, 3 साल के बाद फिर परिवर्तन होता रहता है, तो कोई भी यहाँ परमानेंट है ही नहीं है, तो कैसे कोई कह देगा कि मेरी टिकट है? किसी का नहीं।
किसी का कोई भी नहीं है, क्योंकि भाजपा में परिवर्तन होता है। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 3 साल के लिए बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी 3 साल के लिए, जिला अध्यक्ष भी 3 साल के लिए, तो उस बीच में भी पार्टी यदि कोई निर्णय करना चाहे तो करती है। अभी हमारे अमरपाल मौर्या जी, अब बताइए, कल तक 60 सीटें लड़ा रहे थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरे अवध क्षेत्र के प्रभारी हैं, रात में पार्टी ने कहा कि आपको जाकर उचार में चुनाव लड़ना है, रायबरेली में वो चले गए, जाकर वहां नामिनेशन किए। तो ये किसी का नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है कि आपको ये अब आपके लिए ये दायित्व तो, ये काम आपके लिए सौंपा गया है, तो उसको किया गया। बात नहीं मानते, उधर सुरेंद्र सिंह नाराज हो गए हैं, तो कैसे बलिया में सारी सीट जीत लेंगे? देखिए, जो पार्टी की बात नहीं मानता है तो वो नुकसान में रहता है, जो पार्टी की बात मानता है वो फायदे में रहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या कोई ये नहीं है कि कोई इसका पारिवारिक पार्टी है या इस पार्टी का कोई नेता है तो इसके बाद उसके परिवार का कोई दूसरा नेता होने वाला, यह हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और उसमें कभी कभी क्या होता है, मुझे तो एक बार सभासद का टिकट लखनऊ में मिला था 1995 में, आप पूछिए नानक जी से जाकर के पूछिए, नानक जो लखमानी है वो दोनों हम एक साथ नामिनेशन किए थे, ये जो संयुक्ता भाटिया जी हैं जो मेयर हैं इन्हीं के पति जो सतीश भाटिया हमको टिकट दिलवाए थे, और सिंबल जमा करने के बाद हृदय नारायण श्रीवास्तव जी आज भी आपको मिलेंगे, वो जो है उन्होंने दो जगह से नामिनेशन कर दिया, बोला कि नहीं हम तो यहीं से लड़ेंगे, तो हमने कहा वो लड़े, हम पर्चा वापस कर लिए उस समय 1995 में कि मैंने पर्चा वापस कर लिया था, क्या पार्टी ने मुझे क्या रोका क्या? आज देखिए पार्टी कहां बढ़ा के ले गई, उस समय के सभासद आज भी सभासद हैं और दयाशंकर सिंह पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो ये पार्टी है कि पार्टी की बात जो मानेगा वो आगे जाएगा और जो पार्टी की बात नहीं मानेगा वो नीचे जाएगा। तो मूल बात यही है कि पार्टी की बात जो मानेगा वो आगे जाएगा, और उदाहरण भी है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और वो दयाशंकर सिंह साबित कर रहे हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।